ये रोटी दिखने में जितनी अच्छी लगती है, इसको बनाने का तरीका उतना ही अनहाइजीनिक है भाई। इस वीडियो में पूरी एंड तक बने रहना, आपको दिखाएंगे भाई ये रोटी कितने गंदे तरीके से बनाई जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपको ले गए नागपुर के अंदर और यहाँ बनती है बहुत ही फेमस और नागपुर की स्पेशल मटका रोटी। आंटी ये आटा रहता है ना? आटा तो आटे का जो है बढ़िया गूंद लेते हैं और नॉर्मल आटा बनाते हैं और फिर इस आटे को ऐसे कितनी देर तक ऐसे पीटा जाता है? एक घंटे तक ऐसे लगे रहोगे? अच्छा जी। और बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से जो है ये बनाई जाती है, ये देखिए बिल्कुल रोड के किनारे पे जो है ऐसे बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है ये आंटी बना रही हैं। तो ये देखिए पानी डाल डाल के पीटना पड़ता है। अच्छा, पानी डाल डाल के पीटते रहते हैं इसे जब तक कि गोला नहीं बन जाए। ओके, आप कितने टाइम से बना रहे हो? सुबह 8 बजे। अच्छा, सुबह 8 बजे से। ठीक है, ये जा रहा है इसके अंदर और पानी। देना एक रोटी टेस्ट करके देखते हैं। भैया को गाली दिया तुमने। ये भाई मटका रोटी। तो ये है भाई मटका रोटी, 7 रुपए की एक रोटी रहती है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रोड साइड पर ये बनाई जाती है। आंटी ने बनाई है, टेस्ट करके देखते हैं जनरली में रोटी है कैसी। पापड़ जैसी रोटी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो नागपुर के अंदर मोस्ट फेमस मटका रोटी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करो, मिलता है आपको किसी और वीडियो में। ये लोकेशन क्या है आंटी? एड्रेस शताब्दी चौक। आप भी अगर आ रहे हो नागपुर में शताब्दी चौक पर आओ और यहाँ पर ही आंटी आपको मिलेंगी। बहुत बढ़िया रोटी है, मिलता है आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।